असल खुश आमदेद्बैर तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर नजर प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तु की जाती है समाजी नौत के मामला और मसाइल के ऊपर अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं उसके साथ साथ मुल्क जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है इस हवाले से प्रोग्राम्स में गुफ्तू की जाती है और यही मौजू गफ्तु है जिस तरफ हम देखते हैं हर शख्स ये जानना चाहता है कि आम जो इंतबात हैं इनका इनका कैसे और कब मुमकिन होगा और अगर नहीं हो पाया मजीद इसमें कितनी ताखिर हो सकती है क्योंकि बजाहिर लगता ऐसा है कि मुल्क जितने भी मामला और मसाइल हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं और जब तक इनका इनक़ नहीं होता तब तक ये मसाइल अपनी जगह मौजूद रहेंगे और ख्याल ये है कि चाहे आम इंतबात हों या ना होंम की हालत अजार पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं अक्तर ज़रूर होगी उसमें तेज़ी या थोड़ी सी कमी ज़रूर आ सकती है लेकिन सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा तो ये जो इस वक्त सूरत हाल ख़ास पर गुज्तर रोज़ जो पेट्रोल के हवाले से कीमतों में इजाफा प्रोग्राम के दौरान ही वो हुआ अचानक से फ़ैसला ये किया गया रात भर लोग ये इंतज़ार करते रहे कि पहली तारीख को ये जो बम है ये रात के वक्त गिराया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ आ, बहुत सोच समझ के हुकूमत ने फ़ैसला किया कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें सुबह के वक्त जो है वो इजाफा किया जाए और बहरहाल बिल्कुल वैसा ही हुआ और अब ये न रुकने वाला सिलसिला है ये कोई पहली मरतबा नहीं है इससे पहले भी मुतद मरतबा ऐसा ही कुछ होता आया है और जब पेट्रोल की प्राइसिस कम करने की बात होती है तो बहुत सोच समझ कर फ़ैसला किया जाता है और जब कीमतों में इजाफ़ा होता है तो बुनियाद ये बनाई जाती है तो आई एम एफ़ की शराइ जिसका कल वज़ी मौसू ने तस्करा किया और उसके साथ साथ ये कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की प्राइसिस है उसमें इजाफा हुआ चाहे गुज्तर रोज़ हुआ हो या एक दिन पहले या एक दिन के बाद होना हो वो पहले से इसकी कीमतों पर असरानंदाज़ होना शुरू हो जाता है तो बड़ा आसान तरीका है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो इस ख़त्े में रहने वाले लोग हैं उनकी बड़ी तादाद ऐसी है बल्कि तमाम ही शायद अब लोग ऐसे हैं जो इन मामला को नहीं समझते और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है और यही वजह है कि हर आए दिन एक नए बहाने के साथ जो है वो तमाम अशर्द नोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है बहरहाल इसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता ये बड़ी अजीब बात है इसके साथ साथ जो दीगर मामला हैं जो आज कल मंजर आम पर नज़र आ रहे हैं उसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है अभी ख़बरों में आप सब से लेके शाम तक एक बच्ची का वाक़ा लाहौर के अंदर पेश आया है उसके हवाले से आप यकीन सुन रहे होंगे और अगर नहीं सुन रहे तो ज़रूर इसका जायजा लें वक्त निकाल कर कि ये कोई अपनी नोयीत का पहला वाक़ नहीं है ऐसे लातदात वाक्यात लम्हा, लम्हा, लम्हा आप, आप, आप देखते रहते लम्ह ब लहमह जितनी भी खबरें आपको दिखाई जाती हैं उसमें दो एक वाक़त ऐसे ज़रूर पेश आते हैं और सिलसिला तो बहुत पहले से ये चला आ रहा है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मामला हल होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है कमी या कोताही किसकी है एक तो हमारी अपनी अखलाक़ी जिम्मेदारी है जिससे हम हमेशा आरी रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा निशानदेही अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए हम करते आए हैं और दूसरा ये कि कानून जो किसी भी मुल्क में राइज होता है उसका मकसद क्या होता है तो ये एक बड़ा अहम सवाल बन चुका है और बहुत सारी चीज़ें मैं बार बार ये दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए हम बड़ी आसानी से उनको नज़रअंदाज़ कर देते हैं लेकिन जो आलमी मीडिया है ज़रा अबलाग है उसके ऊपर मामलों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है और ये वाक़ पूरी दुनिया में पेश आते हैं लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि जो ख़ास तौर पर बच्चों के साथ जो मामला रहे हैं वो किसी भी हवाले से वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस आप सामने आने लगें वो जिनसी हरासगी के हवाले से हो या तशद के हवाले से हो या स्कूलों में मारपीट के वाक़ हों ये जो इसमें तादाद है मुतारा बच्चों की उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और शायद आपके इल में ना हो लेकिन आलमी जरा अब्लाख जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर इन तमाम चीज़ों को पेश करा और यकीन करने की ज़रूरत भी है हमारी कमियाँ कोता आ, अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि इसके ऊपर हम काबू पा सकेंगे या नहीं या हुकूमत इस सिलसिले में क्या करेगी वो महज़ रस्मी कार्रवाइयाँ हैं जिनका सिलसिला ताल जारी है और रोजाना आप देखते हैं कि उस हवाले से अपडेट जो है वो आ रही हैं तो बहरहाल इस मामले के ऊपर आगे चल के इंशाल्लाह प्रोग्राम्स में मौका मिलेगा जरूर गुफगू करेंगे आज मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं उनको सबसे पहले खुश आमद कहूँगा आपका तल्लु भी क्योंकि बर रास्त इंसानी हकूक़ से है और एक इंसानी हकूक़ की तंजीम है उससे वास्तगी है जनाब जमशेद हुसैन साहब जो कि चेयरमैन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान के उनको मैं खुश आमद कहूँगा बहुत शुक्रिया जी बड़ी नवाजश आपकी जनाब जमशेद हुसैन साहब उनके हमरा तशरीफ़ रखती हैं रेहाना अज़ीज़ा सोच औरत की जो है से आपका तल्ल है उसकी रू रूह रबाएँ हैं और आप भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से और ख़ास तौर पर ख़वातन के हवाले से काम कर रही हैं उनको मैं खुश आमद कहूँगा बहुत शुक्रिया आपका मिस रिहाना प्रोग्राम में वक्त देने के लिए जमशेद साहब गुफगु के आगाज़ आपके साथ क्योंकि मैं हमेशा जितने भी यहाँ पे फ़लाही तंजीम के लोग यहाँ पर आते हैं और या उससे वाबस्त जो भी लोग होते हैं उनसे सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आप जब फील्ड में जाते हैं और ख़ास तौर पर लोगों का जो मरकज़ होता है फ़लाही तंजीमों का वो दही इलाके होते हैं तो वहाँ जा क्या कुछ मुशाहदे में आया और ख़ासतौर पर जिन जिन इलाक़ों में अब तक मौका मिला है क्या कुछ देखने में आया है खासतौर ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या कमियाँ कोत्याँ हैं मैं चाहूँगा ज़रा उसकी निशानदेही कीजिए की जी बस आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया और हमारे यहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स लोगों को पता ही नहीं है कि उनके बुनियादी हकूक़ हैं क्या मिसाल के तौर पर हमने बहुत अरसे से हम इस पर काम कर रहे हैं और हम थर में काम कर रहे हैं हम गुज्त जो है वो कई सालों से वहाँ पर देखते हैं कि पानी का बहुत ज़्यादा मसला है एक औरत और एक बच्ची की ज़िंदगी जो ना पानी के गर्द गुजर कर ख़त्म हो जाती है ऐसा ही है बिल्कुल और आठ किलोमीटर तक वो पैदल चलती है जाती है पानी के लिए और आठ किलोमीटर वापस आती है बिल्कुल आप अंदाज़ा लगाएं सुबह वो निकलती है फ़जर में और दोपहर को आती है उसकी क्या ज़िंदगी रह गई और क्या तलीम का सिलसिला रह गया और इसी तरह से वो गुरबत इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं जगहों पर काम करने के लिए और उसकी एक मिसाल रिजवाना भी है जो लाहौर में जो वाक्य हुआ है ये गरीब लोग होते हैं ग़रीब लोग जो है उनको बुनियादी सहूलत नहीं मिलती है वो दस हज़ार पंद्रह हज़ार बारह हज़ार आठ हज़ार के लिए अपनी बच्ची को वहाँ भेज देते हैं कि वहाँ पर जाकर वो कम से कम खाना खा लीजिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मैं थर में था तो वहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए थे तो हम उनसे मसाल बात कर रहे थे तो एक साहब थे वो टी के मरीज़ थे मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या बीमारी उन्होंने कहा मुझे टी है तो मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं उसने कहा मेरे पाँच बच्चे हैं मैंने कितनी बेटियाँ कितने बेटियाँ कह रहे चार बेटियाँ और एक बेटा है तो मैंने कहा कितने बेटों की शादी बच्चों की शादी हो गई उसने कहा मेरी दो बेटियों की शादी हो गई अच्छा मैंने कहा क्या उम्र थी कर एक की उम्र ग्यारह साल थी और एक की बारह साल उफ। मैं सरप्राइज हो गया मैंने कहा ये क्या हो गया तो बाद में पता चला मैंने कहा क्यों शादी कर दी उसने कहा हमारे पास मैंने अपने बीमारी के लिए अपने घर के बर्तन भेज दिए मेरे पास तो वो भूख से मर जाती है कम से कम खाकर तो मरेंगी ये तस्वर होता है उन वाले का जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी को बिल्कुल है। एक तरफ अभी आपने बात की पेट्रोल प्राइसेस की जो बिल्कुल आसमान को छू रहे हैं दूसरी तरफ गरीब आदमी की जिंदगी जो है ना वो हमें कह रहे हैं कि हम आई एफ आई एम एफ से जो है ना वो कर्ज लेकर हम जो है ना वो हम डिफॉल्ट नहीं हुए लेकिन एक गरीब आदमी तो डिफॉल्ट हो गया तो वो बर्बाद हो गया उसकी जिंदगी इतनी है कि उसको ह्यूमन राइट्स की जरूरत नहीं है उसको रोटी की जरूरत है उससे अगर पूछें ना दौड़ दो कितने होते हैं वो चार नहीं बोलेगा बोलेगा चार रोटी होती है बिल्कुल टूटियों से निकलते नहीं है आज से डेढ़ साल पहले आटा था सत्तर रुपए किलो और आज आटा है एक सौ साठ रुपये किलो चीनी थी पचहत्तर रुपये किले आज चीनी है एक सौ पचास रुपये किलो आप मुझे बताएं एक गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड कर सकता है ना तो आप एक हज़ार रुपये में अपने घर के दोस्त की रोटी पूरी कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं और उसकी दिहाड़ी मुश्किल से पंद्रह हज़ार सोलह हज़ार और इस तरह से और इस तरह से उस औरत और उस बच्ची की ज़िंदगी जो नबा बर्बाद हो जाती है और इस तरह से हमने खुद देखा है उन इलाकों में बीमारियाँ इस तरह से बढ़ रही हैं यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं एक गाँव में हम गए वहाँ पर हेपाटाइटिस सी एटी परसेंट यानी जो टेस्ट करवाए अस्सी फ़ीसद टेस्ट और हर बंदा जो ना सूद के नीचे शिकार है सूद किस चीज़ का लिया हुआ है उसने उसने सूद लिया हुआ है एक दुकानदार से सामान लिया हुआ है उसने जिससे वो आटा चीनी लेकर आता है उसने अपनी ज़मीन गिरवी रखवा दी है उस रोटी के चक्कर में उसने अपने बच्चे गिरवी रखवा दिए लेकिन उसकी रोटी पूरी नहीं हो रही है हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं हम हुरानों से ये कहते हैं कि जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अयशियों के साथ आपका एक, एक एक अफसर जो है ना वो कई कई पेट्रोल जो है लीटर जो है ना फ्री, मिल फ्री में मिलते है आपको गाड़ियाँ फ्री में मिलती हैं अभी आपने देखा होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने नए ए सी डी सी के लिए जो है ना नई गाड़ियाँ अलॉट कि इनको नई नई गाड़ियाँ दे दें भूख से जो ना वो सारा शहर मर गया फाके की वजह से और अमीरा शहर ने ही रुदुशी कर ली आए दिन आप देखते हैं कि इनकी अयशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं कभी कोई फ़र्द आता है कोई हुक्मरान आता है उसको मिलने के लिए लंदन पूरी की पूरी बारात जा रही होती है दूसरी तरफ जो ना दुबई आता है तो पूरी की पूरी बारात जो ना दुबई जा रही होती है हमारे पैसों से हज और उम्रें करते हैं लेकिन गरीब आदमी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद है और सूरतयाल इतनी ज़्यादा ख़राब है जिसकी कोई इंतजा नहीं है अभी हम बदीन गए थे बदीन में लोग बोल नहीं सकते बच्चे एक एक पूरे पूरे इलाके में अस्सी फीसद बच्चे ऐसे हैं जो गूँगे और बहरे हैं उन पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है पूरे इलाके के अंदर कोई भी गूंगे बहरू बच्चों का स्कूल ही नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं कि उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है उनके ना शनाख्ती कार्ड बनते हैं नादरा ना उनके शनाख्ती कार्ड बनाती है कि उनके माजूर होने के शनाख्ती कार्ड बने कि उनको कुछ ना कुछ वो मिले एक तरफ हमने जो है वो बेन, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को शुरू किया हुआ है कि हम पेट भरों का बाद में पता चलता है कि भाई किसी यू चेयरमैन के भाई को बहन को जो है ना वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिल रहे हैं या किसी को मिल रहे हैं और पूरा उसको कर दिया जाता है हमारे शहर को आप कराची के हवाले से बात करते हैं के और कराची शहर के अंदर जितने मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि कराची शहर के लोग हर तरफ जो है ना वो रिलीफ का काम करते हैं इमदाद का काम करते हैं लोगों की मदद करते हैं लेकिन कराची शहर के अंदर लोगों की जिंदियाँ इतनी तबाह बर्बाद हो गई कल मैं कुरंगी गया था जी। कुरंगी जी। जाकर मुझे इतनी चीज़ें सरप्राइज़ हुई कि एक औरत जो है ना वहां पर मंशियात बेचती है अब उस औरत से पूछा भाई मनियात क्यों बेचती हैं आप कह रही मैं क्या करूं मैंने जो है ना वो सूद पर अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लिए ले और मुझे वो अदा करने पड़ते हैं तो इसलिए मैं मंशियात बेचती हूँ उसको कई बार पुलिस पकड़ के लेके गए लेकिन हम उस चीज़ को नहीं दूर करते कि उसका मसला हल करें इसी तरह से जो ना वो ड्रग एडिक्ट इतनी तेज़ी से लोग हो रहे हैं इतनी तेज़ी से हो रहे हैं आप कॉलेज के अंदर चले जाएँ स्कूल के अंदर चले जाएँ इतनी तेज़ी से हो रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो इतनी ज़्यादा फैल गई है और इतना ज़्यादा मसाइल है मैं मेख बच्चियों के हवाले से हमारे यहाँ पिछले दिनों सब्ज़ी मंडी में एक मरवा बच्ची थी उसके साथ जो ना वो बच्ची थी कोई आठ साल की या नौ साल की उसके साथ जो ना वो एक रेप हुआ और रेप होने के बाद उस बच्ची को जिंदा जला दिया गया और जिंदा जलाया तो बाद में जब हम उसकी गिरफ़्तारी हुई हमने बहुत मुजाहरे वगैरह किए उसका जो कातिल गिरफ़्तार हुआ पता चला वो तेरह साल की उम्र का लड़का था और तेरह साल की उम्र का लड़का जो है वो जब स्कूल्स में जाता है तो हमारे यहाँ स्कूल्स के अंदर जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको तबाव बर्बाद एक प्लानिंग के तहत किया गया और इतने ज्यादा तबाव बर्बाद हो गए कि उन स्कूल्स के अंदर जो ना वो अब तालीम के अलावा ये सारी चीजें बातें हो रही होती जब नौजवान बच्चा फारे होगा तो क्या बात करेगा वो टीचर नहीं होगा नहीं होगा तो, तो ये तो सारी बातें करेगा इन बातों की वजह से जो ना वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया कि हमारे यहाँ जो ना वो इन छोटे स्कूल्स के अंदर भी ड्रग एडेड बच्चे होने लग गए और फिर जो बड़े स्कूल्स है, हैं है जो स्कूल, है। स्कूल हैं मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ के जो ब्रांडेड उन के अंदर जो ना वो इतनी ज्यादा खराब है कि नहीं। नहीं। बाकायदा जो ना वो ड्रग्स की पार्टियां होती हैं जी मैं पिछले दिनों कोर्ट हमारा जाना होता है राइट्स के हवाले से कोर्ट में गया तो सत्रह बच्चे जो ना एक ही स्कूल के जो ना वहाँ आए हुए थे पुलिस ने छापा मारा पता चला वो सारे के सारे जो है वो ड्रग एडेड है और वो बच्चे आते हैं गेस्ट हाउसेस के जरिए सबको मंशात मिलती है और हमारे यहाँ जो ना वो हुक्का बार बने हुए हैं ये चीज़ें बनी चाहिए यहाँ से मुश्किल मिलती है, है बच्चों को छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं उनका क्या है वालदेन जो ना वो इस महंगाई के चक्कर में माँ भी काम करती है बाप भी काम करता है वो बेचारा उनकी फ़िक्र कर रहा होता है कि इनको जो ना वो वो इनकी फ़ीस पूरी करूँ या इसकी वाले कह रही होती है कि मैं जो ना ग्रॉसरी पूरी करूँ या इनकी ये चीज़ें पूरी करूँ वो बेचारे उसमें लगे हुए होते हैं और पीछे बच्चे जो ना वो बेपरवाह हो गए उनको पता नहीं वो समझते हैं कि जिंदगी यही है हमें इस पर भी बात करनी चाहिए इस शहर के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं दुनिया का तीसरा बड़ा शहर बन गया जहां सबसे सब ज्यादा मनश्यात बिकती है बिल्कुल अब इस सूरत के अंदर जब मनशियात बिकती है शहर के अंदर तो आप किस तरह नौजवानों को रोक सकते हैं नौजवानों को टारगेट करती है वो और खुशन जो टीन एजर्स बच्चे, बच्चे होते हैं उनको और इन बच्चों की वजह से जो है वो इतने ज्यादा बच्चे खराब हो गए कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बच्चे आप, आप अंदाजा लगाए ना कि हमारे जो आईजी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मंशियात पीते हैं इनको जो ना जब आपसे मांग रहे हो छीन रहे हो तो आप दे दिया कर दे दिया करें ऐसा ना हो कि आपको जो ना मार दें वो इतने ड्रग एडिट होते हैं उनको पच्चा ही पता ही नहीं होता अच्छा किया इसका तस्करा किया वो फरमा रहे थे उस दिन के अगर कोई मोबाइल लेने आए तो आप मजामत ना करें घर के अंदर कोई डकेती हो जाए तो आप उनको चाबी उनके हवाले कर दें इस किस्म के अहमकाना मशवरे जो है वो दिए जाते हैं और ताजुब नहीं है जिस किस्म के लोगों को बिठाया जाता है उनसे क्या फिर उम्मीद रखी जा सकती है उस सियासी मकासद और मोटिवस के लिए उनको बिठाया जाता है ये बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि हम मीडिया की टीम जब जाती हैं इलाकों में जब रिपोर्टिंग के लिए लोगों से जब बात होती है तो इसी किस्म के मसाइल जो हैं वो जिसकी अभी आपने निशानदेही की और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है तो अभी बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं उसके हवाले से जब बात की जाती है तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो लाइल है और जो बात भी नहीं करना चाहते वजह यही है जैसे अभी मशहू फरमा रहे थे जनाब जमशेद हुसैन साहब कि लोगों को फिक, फिक्र मुश की इतनी ज़्यादा उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है या उतने ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं इस हवाले से कि वो इन दीगर मामला के हवाले से सोचने का जो है वो तस्वुर भी नहीं कर सकते आगे बढ़ते हैं ये फरमाये है ना कि आपका भी ताल्लुक़ कम मवेश इसी शोबे से है और आपके जो ज़ाती तजर्बे में चीज़ आई है मैं चाहूँगा सर उसके बारे में आगाह कीजिए क्या कुछ देखती आई हैं और ख़्वन के हवाले से एक तो पहले ही एक पिसा हुआ तबका वैसे अब तो कोई भी शख्स महफूज़ नहीं है जैसे अभी नशे की बात की इसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम पूरा कर चुका हूँ हर शख्स अपने हिसाब से जितनी उसकी इस्तात है वो नशा कर रहा है कोई पान छालिया का गुटके का अगर उसके पास थोड़े पैसे हैं तो फिर उससे आगे बढ़ता चला जाएगा आप बताइए ज़रा ख़्वीन के हवाले से क्या कुछ मुशाहे में आए जी जी बिल्कुल यासिर जैसे कि मैं पहले आपको बताऊँ कि मैंने कराची के बैकवर्ड एरिया से लेकर कर हरीपुर हज़ारा थर कोयटा और अभी रिसेंटली बदीन के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है काम को तो डिफरेंट शहरों में जाकर हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम किया है एजुकेशन पे भी काम किया है और इसके अलावा और बहुत बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल थे जिनको हम देखते हैं जाते हैं उस पर बात करते हैं आवाज़ उठाते हैं जितना हेल्प ख़ुद से कर सकते हैं करते हैं तो मैं बेसिकली वुमेन राइट के हवाले से अगर आपसे बात करूँ कि खुवातन के लिए मैं ये चाह रही थी और जो मैंने शुरू से अपना माइंड सेट किया था कि औरत एक हलाल तरीके से कमाए क्योंकि अगर माशरे में देखें बुराइयाँ बढ़ रही हैं और लोग कहते हैं कि बैड एक्टिविटीज़ के अंदर जा रहे हैं लोग और बुराई की तरफ जा रहे हैं बुरे कामों को कर रहे हैं उससे पैसा कमा रहे हैं तो मैंने कहा था इस कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे इन शॉज़िटिव चेंज आएगा और हलाल तरीके से हर खातून जो है अगर उसको ज़रूरत है तो वो कमाए और कोई ऐसा छोटा मोटा रोज़गार हो गया है, नौकरी हो गई वो कर वो हलाल तरीके से कमाए लेकिन इस किस्म के वाक़ा जो इस बच्ची के साथ हुए देखते हैं वो तो अपनी तरफ से निकली थी बेचारी हलाल तरीके से कमाने उनका तो माइंड होगा कि वो कमाई इज़्ज़त से और उनका घर का जो है वो ख़र्चा चलेगा और फिर इस किस्म के वाक़ जब हो जाते हैं एक भी कोई ऐसा वाक़ा हो जाए तो कितने सारे लोग इससे आप सोचेंगे कितनी फिर लोग दोबारा उस बुराई की तरफ चले जाएंगे और उस बुराई को प्रेफ़र करेंगे उस बुराई से कमाना कि हलाल तरीके से अगर इस तरह से इंसान के साथ हो रहा है तो वो क्यों इस तरह की मौत को अपने लिए पसंद करेगा तो ये मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ़ एक इंसान के साथ नहीं हुआ देखें अब कितना इसका इफ़ेक्ट कितने घरों में इस पर बात चल रही है कितने लोग इस पर डर गए हैं अब इसी तरह से जिस तरह हम स्कूल्स की बात कर रहे थे कॉलेजेस की बात कर रहे हैं और जिस तरह से हम जॉब्स की बात कर रहे हैं तो ये एक चीज हमारे इस माशरे के रूट के अंदर बिल्कुल इस तरह से आ चुकी है कि स्कूल्स के अंदर अगर देखा जाए तो थोड़े से नंबर्स देने के लिए बच्चों को किस तरह से हेरासमेंट का शिकार किया जाता है नहीं। नहीं। इसके बाद जब जॉब्स की तरफ वो बच्चियाँ आ जाती हैं तो फिर उनको आगे तरक्की देने के लिए किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है किस तरीके से उनको ऑफ़र्स की जाती हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसका किस तरीके से ख़ात्मा किया जाए जब इस किस्म के वाक़ हो जाते हैं क्योंकि जितने शहरों में भी हम गए चाहे सर ने बात की हम थर गए हैं थर के अंदर भी जो है हमने देखा एक एक लड़की कि क्या अगर देखा जाए बेसिक तो घर को चलाने वाली वो खातून है वो उसकी फर्स्ट टीचर भी है वो घर जो है हम कहते हैं कि वो उसका स्कूल है अब वो टीचर बेचारी सारा दिन उसको वो एक, एक बेसिक ज़रूरत पानी के पीछे इतना लगा दिया गया है कि वो सारा दिन बस उस पानी के उूल के लिए वो बच्चों की क्या परवरिश करेगी कब उसको टाइम मिलेगा खुद वो पढ़ती नहीं है आगे वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएगी इस तरह से हम जिस तरह बदीन में हम गए थे अब आ, हमने देखा वहाँ पर जो बताया है कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं बाहिर तो वो एट्टी लोग हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं लेकिन वो कितनी जनरेशन आगे इस किस्म की और बढ़ाएंगे और उस तरह वहाँ पर जिस तरह से कह रहे हैं कि उसका जो कॉज है वो ये है जब हमने

और अब ऐसे लोग पूरी दुनिया में बैठकर बैठ कर सोचा जा रहा है इस हवाले से कि जिनको हम लाइबिलिटी तस्वर करते हैं ऐसे लोगों को उनको कैसे कार बनाया जाए माशरे का हिस्सा कैसे बनाया जाए जमशेद साहब फरमाइएगा कि मुख्तफ तनजीमें इस हवाले से काम रही हैं कुछ तनज़ीमें ऐसी हैं जो लोगों को रोज़गार के हवाले से काम कर रही हैं कि उनको किस तरह बार किया जाए किस तरह उनको फैसेटेट करें एक्सेस टू फाइनेंस दें और इस तरह काम करें आपका क्या सोच में रहा क्या कुछ आइडिया था जब ये काम शुरू हुआ कैसे इसका आगाज हुआ और क्या चीज़ देखते हुए ये फैसला किया कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से और ख़ास खासतौर इस शोबे में काम करना ज़रूरी है मैं चाहूँगा जरा उसके हवाले से बता देखिए मैं इस हवाले से तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ फलाई तंजीमें बहुत ज़्यादा हैं बहुत काम करती हैं लेकिन हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बहुत कम हैं और जो ह्यूमन राइट्स पर बात करती हैं क्योंकि हमारे यहाँ हमारे आयन और कानून में और इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन के कवानीन के अंदर जो ना ह्यूमन राइट्स पर बहुत ज़्यादा बात होती है दुनिया के अंदर सियासत से पहले जो सबसे बड़ा शोबा है वो ह्यूमन राइट्स, राइट्स है अच्छा ह्यूमन राइट्स के अंदर क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं हमें थोड़े थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई चीज़ पता चलती है कि ये वाक्य हो गया ये वाक्य हो गया ये वाक्य हो गया लेकिन उस पर कोई आवाज़ नहीं बुलंद करता आप बताएँ अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि अगर बुराई होते हुए देखो तो उसको हाथ से रोको नहीं रोक सकते तो जबान से बुरा कहो तीसरा दर्जा उसका रखा कि दिल में बुरा जानो बस इस बात को महसूस करते हुए कि हम बुराई को रोकें किस तरह से हमने बनाई और उसके साथ हमारे साथ बहुत सारे जो लोग जुड़े रहना और इस तरह बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने इसकाज को आगे लेकर चला और इस तरह से जो ना वो हमारे यहाँ ख़वान के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं आपने भी पहले थोड़ी देर बाद की जनरल एलेक्शन की केलेक्शन आएंगे, वैसे ही सब कुछ होगा आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान के कवानीन के अंदर हम खातन को मखसूस नशस्तें दे देते हैं कि तैंतीस परसेंट को मखसूस नशस्तें मिलेंगी आप मुझे बताएं हर सियासी जमात को एक वो दिया हुआ कि पाँच फीसद आपने खुतानी को में ठीक है। अच्छा जब खातन जनरल इलेक्शन में नहीं खड़ी होती तो उसके बाद लोग तस्वीर ये करते हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम में नहीं आती मेन स्ट्रीम में, में नहीं आती तो उसे गोश का लोथड़ा समझा जाता है।, है और गोश के लोथड़े का जो हाल होता है वो सब कुछ करते हैं हमारा मुतालबा यह है कि आप जनरल सीट्स पर ख़ुत को इलेक्शन कमीशन से हमारा मुतालबा है कि जनरल सीट्स पर आप खुत को कम से कम पच्चीस फ़ीसद नुाइंदी दें और तमाम सियासी जमातों को पाबंद करें कि वो जो है ना वो पच्चीस फ़ीसद खवन को टिकट्स दें और भी फिर इसको बढ़ाएं हमारे माशरे का इक्यावन फ़ीसद खवीन है लेकिन इक्यावन फ़ीसद खवतानी होने के बावजूद भी मेन स्ट्रीम में जो खुतन आती हैं वो बहुत ज़्यादा कम आती हैं उसकी वजह यह है कि हम जो है ना वो उस पर तोज्जो नहीं देते इलेक्शन कमीशन नहीं तो देता सियासी जमातें नहीं तो देती हम इस पर सरप्राइज़ होते हैं कि हमारी पहली जो है ना वो स्पीकर जो है ना खातून बन गई फ़हमीदा मिर्जा हाँ इस पर खुश हैं कि जुल्फ़्कारली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ी अजम बन गई आप मुझे बताएं कि आम औरत क्यों नहीं वज़ी अजम बन सकती रेहाना अजीज़ क्यों वजी अजम नहीं बन सकती इसके अंदर क्या सलाहियत नहीं है पाकिस्तान के वजी अजम बनने की इस तरह से आम औरत को क्यों नहीं आगे आती वो जब आम औरत आगे इसलिए नहीं आती कि आगे आने के लिए उनके पास दरवाजे बंद हैं हमने फ्यूडल्स को रख लिया है हमने सरमाएार को रख लिया है लेकिन बेसिक खुवान को हमने जो है ना इससे बहुत दूर कर दिया आप अंदाजा लगाएँ के फैक्ट्रियों में काम करती हुई में पांच लाख खीन है पांच लाख खातीन का अगर आप वैसे अगर तजिया कर लें, वो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट पर है, आए दिन उन खातीन का रेप होता है वहाँ पर आए दिन उन खातीन के साथ जाति होती है हो, मरकर कहीं फेंक दी जाती हैं। या उसको जनसा कुछ होता है और उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं और ह्यूमन राइट्स हमने बनाई इसलिए कि हम इस पर बात करें बच्चों के साथ जो कुछ होता है आप मुझे बताएं स्ट्रीट चिल्ड्रन आपको थोड़ी देर बाद नजर आएगा हर बच्चा बिखारी नजर आता है जब उसके पीछे आप रिसर्च करें। पता चला। उसने ठेके में लिए में कोई दो तीन बच्चे और उन दो तीन बच्चे के बदले में उनको दो दो सौ देता है और उन बच्चों से तीन तीन हजार रुपए लेता है हम परेशान हो जाते हैं इन बच्चों का होगा क्या उन बच्चों के लिए अच्छा इस तरह से जो है ना वो कराची के अंदर सिर्फ कराची के अंदर लगभग चार लाख के बच्चे हैं जो जतीम है चार लाख बच्चे यतीम है। यतीम हैं उन बच्चों के लिए हमारे यहाँ कोई इदारा मौजूद नहीं है कि उनको वो कही वो कहीं कर ले किसी का चाचा मामा अगर होगा तो उसका ख्याल रख लेगा लेकिन वो यतीम बच्चे कहां जाते हैं आप अंदाजा लगाएं अल्लाह के रसूल वसल्लम यतीम सुर्ण थे सुर्ण और यतीमों के अंदर एक खसूसी सलाहियत होती है जो ज्यादा होती है उन पर हम तो नहीं करते हमारी हुकूमत तोज्जो नहीं करती हुकूमत तो किसी चीज पर तोज् नहीं करती हुकूमत का काम यह है कि वो हमारे यहाँ आम आदमी को छुरिया मारे खंजर मारे जितने मार सकती है जितना खून उनका निचोड़ सकते हैं निचोड़ ले और हमारा खून जो ना वो बेचते हैं आई को हमारा खून बेचते हैं वो इंटरनेशनल ताकतों को और उसके बदले में जो ना वो पैसे लेते हैं और देखुण। अपनी शाखर्चियां पूरी करते हैं ऐसा ही है जी चलें जी गुफ्तु -गु जारी रखते हैं मुख्तर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी ब्रेक के बाद जो है सिलसिले को जारी रखेंगे कुछ और दीगर मामला हैं जो जेर बहस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक है ब्रेक के बाद फौरन वापस आ रहे हैं आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तू का सिलसिला जारी था मज़दू मेहमान तशीफ फरमाए और उनसे हम बात कर रहे थे बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं उसके हवाले से बड़ा अजीब सा लगता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंसानी हकूक़ की बात करना बड़ा कानों को जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन सी ऐसी बात जो है वो की गई है बड़ी गिरा गुजरती है जी जमशेद साहब अभी कुछ देर पहले आपने तस्करा किया तो ये सूरत हाल पूरे माशरे की है जिसकी अभी आपने बताया जिसके बारे में कि ये कुछ हो रहा है हमारी सोसाइटी में कहाँ से बेहतरी का सिलसिला शुरू किया जाए सवाल ये पैदा होता है लोगों की अगर बात की जाए अपनी अखलाकी जो ज़िम्मेदारी है माशरे में जो उनका किरदार है वो उनको आज तक पता ही नहीं है और जब यही बुनियादी चीज़ नहीं होगी किसी माशरे में तो इंसानी हकूक़ की बात करना दीगर उसकी बात करना जैसे कि हमारे दोस्त हैं वो कंज्यूमर राइट्स के हवाले से बात करते हैं तो बड़ी बेमानी सी साबित होती हैं फरमाइएगा देखिए हमारे यहाँ आपने सवाल किया कि लोग किस तरह उसके लिए तैयार हों देखें हम हम अमूमन जिस माशरे के अंदर देख रहते हैं ना यहाँ पर या शेख अपनी अपनी देखी हुँ। है और लोग इससे निकलते नहीं है मेरे एक है। दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि ये बताओ कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे घर में आग लग गई है और उस आग में तुम्हारे सारे बच्चे भाई बहन सारे रह रहे हैं और वो सो रहे हैं और घर में इतनी आग लगी है जिसकी कोई इंतजा नहीं तुम क्या करोगे मैंने कहा मैं फ़ौरन भागूंगा घर की तरफ और भाग कर जाऊंगा घर पे बचाने के लिए कहने लगे तुम घर पे जाओगे लेकिन आग तुम्हारे घर पे ना लगी हो तुम्हारे साथ वाले घर पे लगी हो तुम्हारी कैफियत क्या होगी मैंने कहा मैं शुक्र अदा करूंगा कहा यही कैफियत है जो बुनियादी तौर पर हर इंसान के अंदर है वो सिर्फ अपनी बारे में सोचता है दूसरे के बारे में नहीं सोचता नहीं वैसी आग अगर वहाँ लगी हो तो आपके दिल में तकलीफ़ होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए क्या सूरत है ह्यूमन राइट्स भी यही बात करते हैं हम हम लोगों को अवेयरनेस सेशन करते हैं बड़े पैमाने पर हम यूथ मॉडल नेशनल संी करते हैं बड़े पैमाने पर करते हैं उसमें सैकड़ों स्टूडेंट्स को बुलाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जाकर हम प्रोग्राम करते हैं खुवान के हवाले से रिहाना अजीज़ बहुत ज़्यादा काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक हालाँकि जिस ट्राइब से ये ताल्लुक़ रखती हैं वो बहुत मुश्किल है उसके अंदर काम करना लेकिन ऐसी बहुत सारी हैं जो काम करती हैं हमारे साथ और इस तरह से जो है हम चाहते हैं कि ये पूरे लोग जो है ना वो एक अवेयरनेस का काम करें हम क्या करते हैं हम उसी मौलवी की तरह अजान दे रहे होते हैं जो पाँच वक्त अजान देता है और लोगों को बुला रहा होता है कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते हम लोगों से ये कहते हैं कि आपको पावर दी है हैकूमत ने पाकिस्तान के आइन और कानून ने उसके अंदर रहते हुए आपको सारे राइट हासिल हैं आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बात करें आप बात क्यों नहीं करते लोगों को डरा देते हैं खौफ ज़दा करते हैं कि आप इस पर बात करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा अगर आप रास्ते में चलते हुए जाएं किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको दूसरा बंदा का अगर नहीं रुकना नहीं किसी को उठाना नहीं वरना पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगा सही जब इस खौफ जदा माहौल के अंदर आप रखेंगे तो लोग किस तरह से ह्यूमन राइट्स पर आएंगे हम ही कहते हैं के खौफ खत्म हो लोग इस पर बात करना शुरू करें और इस पर बात करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हमने अख्तियार किए मिसाल के तौर पर यह सेशन भी इसी वजह से रखा है ना आपके साथ हम इस पर बात करें लोग, करें, करें लोग। हमारे यहाँ सवाल नहीं होगा तो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन हमारे छोटा कर दिया गया उसके अंदर जो दिमाग बहुत ज्यादा छोटा कर दिया हम कहते हैं उसके अंदर वसत पैदा हो हम कहते हैं कि बेसिक हमारे रखे हुए अपने पास हमारे पास हेल्थ के राइट्स हैं वो हमें क्यों नहीं मिलते हैं हमारे एजुकेशन के राइट्स हैं हमारे यहाँ सरकारी ताली इदारों को स्कूलों को तबाह बर्बाद कर दिया गया जहा पढ़ने का कोई नाम नहीं आप निकाल लिस्ट कि अरबों रुपए से गवर्नमेंट खर्च करती है सरकारी स्कूलों पर लेकिन वो कहाँ जाते हैं उनकी जेबों में चले जाते हैं से. आप मुझे बताएं कराची के कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर सरकारी स्कूलों कराची शहर जो इंटरनेशनल शहर है उसके अंदर स्कूलों का ये हाल है बाकी देहातों के अंदर क्या हाल होगा वहाँ पर भैंसें पल रही होती हैं वहाँ पर गधे होते हैं वहाँ पर कुत्ते होते हैं बच्चे तो होते हैं नहीं जब बच्चे नहीं होंगे तो सीधी सी बात है उनको कुछ भी नहीं पता होगा उन बच्चों को हमने किसी और काम में लगा दिया हम ये हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें लोगों को इस तरफ बुलाएं और लोगों के जो मसायल हैं उनको हल करें इनके बेानतहा मसाइल हैं आप इतने मसायल हैं ह्यूमन राइट्स के कि अगर आप गिनना शुरू कर दें तो आपकी जो ना वो आप समझ परेशान हो जाएंगे यार क्या मसला है मिसाल के तौर पे किसी फ़र्द को ये पता ही नहीं है कि हकूमत ने उनको जो ना ये हम थाने जाते हैं लोग थाने जाते हुए डरते हैं हालांकि वो हमारे मुलाजिम हैं हमारे हम हमें हम, हम उनका राइट हमारे मसाइल हल करें वो लेकिन हम जाते हैं जाकर उनको हज़ार रुपये देते हैं नहीं यार इनसे जान छोड़ानी है हमारे यहाँ हमारे यहाँ माशरे के अंदर जो तरबियत की गई है वो ऐसी की गई है जो एक डरपोक आदमी की है उसकी वजह ये आज की नहीं है इसकी वजह जो ना बहुत पहले से पहले हम पर जो ना वो आ, हाथियों पर आकर हुकूमत करते रहे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से किसी ने अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की डंडे के जरिए से और हम ये समझते हैं कि हम गुलाम हैं जब यही समझेंगे कि तो हमारी आ कुछ नस्लों के बाद हम तो हो ही जाएंगे गुलाम जो अफ्रीका के अंदर एक निगरू टाइप लोग रहते थे जो गुलाम थे हम वैसे हो जाएंगे अगर हम बात नहीं करेंगे हमें सवाल करना चाहिए बात करना चाहिए लेकिन पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहते हुए और जिसके अंदर बहुत ज्यादा राइट्स हैं और इस पर हम लोगों से कहते हैं कि बात करें इस पर हम अवेयरनेस सेशन करते हैं बिल्कुल ठीक है मैं ज़रा इस हवाले से भी मजीद जानना चाहूँगा आपसे लेकिन इसके साथ साथ रिहाना साहिबा तशीप फरमाएँ उनसे भी ज़रा औरत के हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये सोच औरत है इसके पीछे क्या सोचकार फरमा है और दूसरा ये रोज़गार के हवाले से सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है सबके लिए यकसा मसला बन चुका है उसूल रोज़गार उस हवाले से क्या कुछ करेंगे ये ज़रा फरमाइएगा आ, सोच औरत में जिस तरह से आपने कहा कि हमने क्या सोच कर इसको स्टार्ट किया था तो उसमें तो बेसिकली हमारी सोच यही थी कि एक ख़ातून के साथ जितने भी मसले मसाइल जुड़े हुए होते हैं उनका कोई ना कोई ऐसा प्रॉपर सोल्यूशन इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इस माशरे को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए क्योंकि इस्लाम के अंदर कोई भी इतना सख्ती नहीं है अगर देखा जाए हमारे माशरे के अंदर सख्ती नहीं क़ानून के अंदर सख्ती नहीं है बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं लेकिन लोगों की अवेयरनेस नहीं है उन्होंने जो चीज़ें खुद से बनाई हुई हैं वो इतना ज़्यादा सख्त कर लिया है कि उसमें जो है ख़ुदकुशी में ही इंसान अपनी गनीमत समझता है और इस किस्म के अक्सर हम देखने में आता है कि घर से भाग जाने भाग जाने में गनीमत समझी जाती है कि भाग जाओ क्योंकि मसले का हल तो निकलेगा नहीं इसका सोलूशन तो है नहीं चलो निकल के चले जाओ फिर बात का रोना पीटना और फिर उसको भी मंजर आम पर अपनी इज्जत का ख़्याल लाते हुए बात नहीं की जाती ताकि उसको देखकर और बच्चे और और बच्चियाँ बची जा सकें और उनका जो है तहफ़ किया जा सके तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत सारी ऐसी जिनको हम देख रहे हैं और इसके साथ साथ हमने रोज़गार के लिए आपने मुझसे पूछा कि जिस तरह वुमेन एम्पामेंट में तो पेश पेश काम कर रहे हैं जिसके अंदर आ, एक खातून अगर वो पढ़ी लिखी है तो चलें वो तो जॉब कर सकती है किस्म का काम कर सकती है वो एक ख़ातून है जो बिल्कुल जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है उसको भी घर चलाना है उसके भी बच्चे हैं उसके साथ भी ऐसा मसला है कि घर का एक फ़र्ज जो है वो सिर्फ घर को नहीं चला सकता उसके लिए इस तरह से कि घर की चार दीवारी के अंदर वो क्या कर सकती है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको निकल कर भाग क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ अभी भी हैं कि वो प्रेफर नहीं करती चाहे वो एजुकेशन उनके पास हो या ना हो कि उनकी खातून जो है वो बाहर निकल के जाए और वो उस तरह से काम करें तो उसके लिए हमने घर के अंदर कोई ऐसा रोजगार उनका हो कि वो उस उससे काम कर सके लाइक अब मैं अगर आपको स्कर्दू की मिसाल दूंगी कि वहां पे वहां की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इतनी अच्छी वहां के प्रोडक्ट्स होती हैं कि उसको इस्तेमाल करके वो कई चीज़ें ऐसी बना सकती हैं हाथ की बनी हुई चीज़ें बना सकती हैं जैम्स वगैरह बना सकती हैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम पूरी दुनिया में उसको बेच सकते हैं काफी जगहों पर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो उसको हम यूज कर सकते हैं थर के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ की खातून के हाथ के अंदर बड़ा अच्छा होना है और बहुत अच्छे तरीके से उसके एग्जिबिशंस हो सकते हैं प्रॉपरली उनका वो बिज़नेस एक स्टार्ट कर सकती हैं घर की चार दीवारी में ऑनलाइन कितनी सारी पढ़ी लिखी बच्चियाँ जो हैं अब जो बाहर उनको अलाव नहीं है कि वो जाकर उनके हस्बैंड की तरफ से कोई पाबंदी है घर वालों की तरफ से भाई और हस... फादर की तरफ से तो घर की चार दीवारी के अंदर बैठ वो बच्ची अपना कमा सकती है इज्जत के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ऐसे काम है जो हमने उनको स्टार्ट कर कर दिए हैं और जैसे माशा वो अच्छा अपना काम चला रही हैं और अच्छा तरक्की भी कर रही हैं और घर में अपने बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं क्योंकि वो देख रही हैं अपने सामने अपनी आंखों के सामने उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो घर से बाहर जाएँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है जमशेद साहब ये बताइए कि आप बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रहे हैं और ये ह्यूमन राइट्स के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो हमें दही इलाकों में शहरी इलाकों में में एक ही है अब तो मैं इसमें फर्क नहीं रखता लेकिन ये कि जो लोग ख, हसूल इंसाफ एक बहुत मुश्किल मरहला है इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ बहुत सारे लोग हैं अपने बका की जंग लड़ते हैं, आए हैं लड़ रहे हैं कैसे वकला को हायर करना अदालतों में जाना इंसाफ लेना इस सिलसिले में क्या कुछ हो रहा है ये तो ज़रा बताइए क्योंकि ये जो दही इलाके हैं यहाँ पर तो जैसे दीगर मुकदमात हैं शहर में दीवानी मुकदमा में लोग फंसे हुए हैं बुरी तरह और जो इंसाफ़ का निज़ाम है मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ पर चलते हैं इससे आगे जाते हुए लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने कैसे है? फिर हालात को सामना करते हैं ये ज़रा फरमाइए देखिए अदालतों में तो आप भी इससे बखूबी वापस हैं कि अदालतों में होता क्या है <स्थिण> अदालतों में जो है ना वो कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे पास पैसे हैं तो वकील कर लो अगर ज़्यादा पैसे हैं तो जज कर लो बिल्कुल ठीक है अच्छा ये कहते हैं मैं नहीं कह रहा लेकिन हमारे यहाँ जो है न निजाम इतना ज़्यादा है और इसकी वाज मिसाल ये है रिजवाना बच्ची का जो साथ हुआ है वो एक काजी के घर में हुआ है। जी और उस काजी के घर में उसकी बीवी को सपोर्ट करने वाला उसका शौहर है जो काजी है खुद जी और उसके बावजूद भी जो ना वो बच्ची तड़प रही है उसके जख्मों पर कीड़े पड़ गए उसके सर पे सर। उसकी हाथ टूट गए के डॉक्टर ने कहा अगर हाथ बनाएंगे तो बच्ची मर जाएगी उस बच्ची को जहर दिया गया कल की जो मेडिकल रिपोर्ट है परसों की उसके अंदर उस बच्ची को जहर दिया गया वो काजी के घर में हुआ है जिसके अंदर आप इंसाफ मांगते हैं उनसे मैं इस काजी की मिसाल बता रहा हूँ ये काजी क्या नहीं करता होगा जब वो एक बच्ची के साथ सब कुछ कर रहा सब तो कुछ हो सब सकता सब है सब क्या? कुछ कुछ भी कर कोई सकता नहीं है बिल्कुल? कुछ भी कर सकता है अच्छा एक को देखें कोई भी आप चावल की पूरी बोरी को नहीं चेक चेक करते करते एक दाना उठाकर हैं चावल जी, है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही ऐसे निज़ाम है अच्छा हमारे जजेस बहुत अच्छे भी होंगे मैं इसमें नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ कोई वो नहीं है लेकिन असल मसला ये है कि हमारे यहाँ असूल इंसाफ इतना मुश्किल है कि जितना जो है ना वो मगरमच्छ के मुंह से कोई निवाला निकालना शेर के मुंह से निवाला निकालना इंसाफ आपको मिलता नहीं आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस हुआ पिछले दिनों आज से कोई एक साल डेढ़ साल पहले उस बंदे का केस सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाइजत बरी कर दिया बाद में पता चला उसको तो दो साल पहले जो ना उसकी मौत हो गई सही था। है। अच्छा इस कतल का ज़िम्मेदार कौन है इस इंसाफ का जिम्मेदार कौन है यही हमारे यहाँ छोटी अदालतों के अंदर सिटी कोर्ट में आपको मालूम है कि किस तरह लोग जो ना वो छोटे छोटे मुकदमे में फंसा दिए जाते हैं उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि उनके उनको किस मुकदमे में फंसाया बाद में उनकी उम्रें गुजर जाती हैं मैं खुद जेल में गया हूँ जेलों में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं पंद्रह हज़ार रुपये के जुर्माने की वजह से वो दो साल कैद काट रहे होते हैं छः महीने कैद

कोई अच्छी बैरिक चाहिए या कोई अच्छी आपको कोठड़ी चाहिए उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं टेलर को है। और इस निज़ाम के अंदर वहाँ पर आप जो है ना वो लोगों को और तैयार कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक पूरा निज़ाम होना चाहिए जिसके अंदर तरबियत हो तो। और इसी तरह से जो दीवानी मुकदमा है दीवानी मुकदमा तो इस कदर ख़तरनाक हो गए हैं हमारे यहाँ कि जिसका इंसाफ कम से कम चालीस साल से पहले तो आपको मिलना नहीं, नहीं मिल है। सकता चालीस साल में आपकी दो नस्लें खत्म हो जाती हैं बाप होता है वो खत्म हो जाता है बेटा होता है वो बूढ़ा हो जाता है, है ख़त्म और चालीस साल बाद जो है ना इस बात पर आता है कि वर्षा में सिर्फ एक ही भाई बाकी बचा है सारी जायदाद उसको मिल गई दीवानी मुकदमत के अंदर ये हालात हैं और इस तरह से जो ना वो हमारे यहाँ जो केसेस हैं आप अंदाजा लगाएं डेट्स जो होती हैं नॉर्मली उसको फास्ट केस चलना चाहिए लेकिन एक केस में दो दो महीने की डेट्स हो रही हैं हाई कोर्ट में तो डेट लगती ही नहीं है अगर आप अर्जेंट भी चले जाएं तो अगर नंबर के बाद आपका मुकदमा है तो फिर तो लगेगा ही नहीं आपका नहीं उससे पहले, पहले पहले आपको लगाना है और उसको लगने लगने में छह महीने लग जाएंगे आपको एक एक कोर्ट के अंदर केसेस की डेट्स जो ना इतनी लंबी होती है जिसकी कोई इंतहान नहीं है हमारे यहाँ खुला केसेस के अंदर इतनी ज्यादा आप अंदाजा लगाए सिर्फ गुजशता साल के अंदर गुजस्ता साल के अंदर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो दस लाख खुला के आई हैं दस लाख खुला जो है वो पाकिस्तान में हुई हैं और उसकी वजह क्या है आप दुबई में खुला नहीं ले सकते उसकी वजह है कि दुबई में खुला लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उसके मसाइल क्रिएट करने हमारे यहाँ जज ये पूछता है उस लड़की से तुम चाहती हो इससे लग रहना वो कहती हाँ चाहती हूँ जो खुला जाओ तुम्हें आज़ाद अब उसके बाद क्या होता है वो एक साल बाद छः महीने बाद उस लड़की को रियलाइज होता है कि मैं तो गलत कर बैठी अब उसके पास जाने का चांस भी नहीं होता अच्छा इन चीज़ों पर हमें मद, वो करना चाहिए कानून साजी करनी चाहिए दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो है वो जो अदालतों के अंदर सबसे बड़ी बुरी बात जो हमें नज़र आती है वो नज़र आती है कि अगर आपकी जेब में पाँच सौ रुपए ना तो आपकी डेट लग जाएगी मर्जी से आपको जो है ना वो पाँच सौ रुपए तो आपके पास दो हज़ार रुपए तो आपको फाइल निकल जाएगी वरना आपके लिए निकलेगी नहीं फाइल और हमारे यहाँ जो ना वो जो जजस से नीचे वाला स्टाफ है जिसको हम पेशकार कहते हैं या जिसको हम क्लर्क कहते हैं उसने तो उस निज़ाम को इतना तबाह किया हुआ कि वो बग़ैर पाँच सौ रुपए लिए ना वो आपको खड़ा भी नहीं आप पाँच सौ रुपए दें आप बाजत तरीके से खड़े होंगे वरना वो आपका क्या बाहर जाओ निकलो यहाँ से लोगों की इंसल्ट करते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अदालती निज़ाम पर तवज्जो देनी चाहिए अदालती निज़ाम में जो लोग पैसे नहीं दे सकते हुकूमत तो की जिम्मेदारी है कि उनकी वकालत करें अगर हुकूमत नहीं कर सकती तो हमारी जैसी ह्यूमन राइट्स की जिम्मेदारी है कि उनकी वकालत करें वहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं वहाँ पर करने की लोगों के बहुत ज्यादा केसेज होते हैं आप अंदाज़ा लगाएं कहते हैं वकील के पास जाओ तो वो आपके बर्तन भी भेज देता है सही और एक वकील के पास कोई बंदा गया ना उसने कहा कि मेरे पास जो है ना वो एक मर्डर केस लेकर आया कोई फ़र्द उसने कहा कि मैं तुम्हें से जो है ना वो इस केस के पचास हजार लोग उसने कहा यार पचास हजार लोगो तो तुम तो इसका मतलब केस ही नहीं जीत सकते हमारे भाई का दूसरे के पास उसने पांच okay. उसने पांच ले और वो भी केस हार गया पिछला वाला वकील मिला उसने कहा पचास हजार रूपये तुमने लिए hmm. नहीं मुझे नहीं दिया तुमने और पांच लाख रुपए उसको दे दिए तुम्हारा भाई केस हार गया mm. कह रहे नहीं मैंने पांच लाख रूपये इसलिए दिए कि केस जीत जाएगा hmm. हम फीसों को ज्यादा समझते हैं वकालत तो वही होती है ना आप भी वकालत करते हैं आपको पता है हमारे यहाँ इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को इंसाफ मिले और लोगों को जो ना रिपीटली यानी कि तेज़ी से इंसाफ मिले ऐसा ना हो कि लोगों को जो ना वो फास्ट इंसाफ मिल नहीं रहा लोगों को सालों तक लगे इंसाफ की किताब के ऊपर जो पहला सफ़ा आप खोल के देखेंगे उस पर लिखा है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड यानी कि अगर इंसाफ में दाखिल होगी तो इंसाफ की नफी तस्वर की जाएगी ये बुनियादी इसका वो है और यहीं से सारे कानून जो है उसके बाद फिर उसका आगाज़ होता है और हमारे आगा जो कुछ हो रहा है कहने को बहुत कुछ है लेकिन फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पे बैठते हुए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना अच्छा आप ये बात देख लें कि हमारे यहाँ ये केसेस तो होते हैं हमारे यहाँ साइबर क्राइम के कितने केस जी अभी शुरू है साइबर क्राइम के जो इश्यूज हैं वो इतने ज्यादा हैं भावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो वाक्य हुआ है वो बुनियादी तौर पे जो ना वो हमारी गलतियां हैं हम उन बच्चों उस ऐसे निज़ाम देखें आज से सैकड़ों साल पहले लार्ड मेघालय आया लार्ड मेघालय ने तालीम को पेट से जोड़ दिया डिग्री आपके पास होगी तो आपको नौकरी मिलेगी डिग्री होगी तो आपको यह मिलेगा डिग्री होगी हो तो यह मिलेगी आप किसी बंदे से बात कर ले मैं मास्टर्स करता हूं तो आपको रिश्ता मिल जाएगा किसी बंदे में बैट्रिक कर ले तो उसको रिश्ता नहीं मिलता उसकी वजह की हमने डिग्री को सब कुछ मरकज बना लिया उसी चक्कर में बच्चियां डिग्री लेने के चक्कर में किसी किसी जानवर के पास चली जाती हैं वो जानवर उनको शिकार बनाता है अपना उसकी वीडियोस बनाता है उसके जरिए से उनको ब्लैकमेल करता है और उस ब्लैकमेलिंग के जरिए से जो है ना वो पूरा होता है आपको नजर लगे ना पांच हजार बच्ची हैं यार जी कोई मजाक है कोई और ये सिर्फ बड़ी अजीब बात है हम लोगों को सुनकर बड़ा ताज़ुब होगा ये सिर्फ किसी एक दर्जा का किसी एक इंस्टीट्यूशन का वो नहीं है यहाँ जितने भी तालीम इदारे हैं अब मैं बड़े वसूक के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ अगर आप तहकी करेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगा इसमें बहुत सारी मुतासर बच्चियाँ हैं जो सामने नहीं आना चाहती हैं सामने नहीं आती क्योंकि ये तमाम कमो बेश जितनी भी जो वो बने हुए हैं शहर कराची से लेके जहाँ तक भी आप चले जाएं पाकिस्तान के अंदर कमो बेश हर जगह यही वाक्यात मैं साइबर क्राइम के दफ्तर गया गुस्ताना जौहर में जी वहाँ पर जो ना वो बाहर बैठे तो कोई बच्ची अपने बाप के साथ बैठी हुई है कोई अपने भा के भाई के साथ बैठी हुई है अपनी माँ के साथ बैठी हुई है ओके सर चले सर अब जमशेद साहब बहुत सारे और दीगर मामला थे लेकिन वह क्योंकि हमारा खत्म हो गया कोशिश करेंगे इन शत और रखी जाए उसके साथ साथ क्योंकि आपकी कश्मीर के हवाले से भी जब इंसानी हकूक की पामाली की बात आती है तो हम क्या इसी ख़त्े में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर जो है बदतरीन इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के वाकत हो रहे हैं जिसका भी तस्कर हुआ इससे कहीं गुना ज़्यादा भयानक वाकत हैं मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब जमशेद हुसैन साहब का इसके अलावा रिहाना अजीज़ साहिबा का दोनों ने यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है एक ब्रेक है ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची